पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस इन दिनों बदमाशों के साथ साथ गौक्षी के विरुद्ध एसएसपी अभिषेक यादव के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई कर रही है। दरअसल भोपा थाना पुलिस ने गांव सिकरे में गौकश अभियुक्त नसीम उर्फ टांडिया पुत्र अनिस कुरैशी पर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के आदेश के बाद अपराध से अर्जित की गई 10,50,000 की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट 14 में जब्त करने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें गैंगस्टर गौकश नसीम के खिलाफ चोरी, गौक्सी गुंडा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट जैसी संगीन धाराओं में 24 केस कई थानों में दर्ज हैं। पुलिस प्रशासन ने गौकश नसीम की संपत्ति पर सरकारी बोर्ड लगाकर गांव में ढोल बजाकर 14-1 की बड़ी कार्रवाई गैंगस्टर पर की है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि अभियुक्त नसीम उर्फ टांडिया पुत्र अनीस कुरैशी निवासी ग्राम सिकरी थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर के द्वारा अपराध कारित करके अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति से खरीदा गया प्लाट करीब 240 वर्ग गज का धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्लॉट की संपत्ति जब्त की जाती है। इस संपत्ति पर यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण करेगा, कब्जा करेगा, खुर्दबुर्द करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये थाना भोपा पुलिस द्वारा कल एक गैंगस्टर नसीम नाम का, जिसपे करीब दर्जन से ऊपर मुकदमे थे गौकशी संबंधित, उसके खिलाफ 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंदर कार्रवाई की है। इसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत लगभग 10.5 लाख रुपए है, वो प्रॉपर्टी सीज की गई है। और हम और उसकी प्रॉपर्टी की जानकारी करें कि कुछ इसने और कोई बेनामी प्रॉपर्टी इसने जो भी अर्न की है इन चीज़ों से, उसकी भी जानकारी कर रहे हैं। वो जानकारी मिलने उस पर भी हम कार्रवाई करें। इस पर करीब दर्जन से ऊपर मुकदमे थे, मुख्यतः गौकशी से संबंधित इस पर मुकदमे ज़्यादा थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।